इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां विधायक राकेश गिरी ने माफी मांगी है। सिंधिया समर्थक पर गंभीर आरोप लगाए थे जिसको अब माफी मांगते हुए वापस ले लिया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद ये माफी मांगी गई, जहां राकेश गिरी ने कहा कि आवेश में आकर बयान दे दिया था, घटनाक्रम के लिए खेद भी प्रकट करता हूं, किसी से विवाद न होने की भी बात राकेश गिरी ने कही है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, विधायक राकेश गिरी ने माफी मांगी, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। चर्चा के दौरान आवेश में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, और उन बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जिन्हें इससे मेरी बातों से कोई जो आहत हुए हैं, और एक वातावरण में कहीं ना कहीं चर्चा में है वातावरण रहा है, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और जो बातें हैं इस प्रकार के मन में ना मेरी कोई पूर्व से भावना थी ना कोई इच्छा है, तो चूंकि बैठक में आवेश के दौरान ऐसी बातें जो निकल के आ गई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां विधायक राकेश गिरी ने माफी मांगी है, सिंधिया समर्थक पर गंभीर आरोप लगाया जो अब वापस ले लिया है। हमारे साथ फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर महेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए। महेंद्र जी, पहले सिंधिया समर्थकों पर यहां पर आरोप लगाया गया, फिर उसे वापस ले लिया गया वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद, तो किस तरह के संकेत ये देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ऋतु राकेश गिरी विधायक है टीकमगढ़ के, और एक बैठक के दौरान उनका जो आपस में कुछ ऐसी बातें हुई, बातचीत हुई, जिससे वो भड़क गए, और इसके बाद उन्होंने आज खेद प्रकट किया है। तो वो सिर्फ उस समय की बातें थी, और इत्तेफाक ये हुआ कि उस मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो गया। जो वीडियो वायरल हुआ तब लोगों ने आपत्ति उठाई, जो विधायक हैं राकेश गिरी उनसे भी कई लोगों ने सवाल जवाब किए। आज उन्होंने जो बीडी शर्मा से मुलाकात की, और बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जारी किया कि वो एक आवेश का माहौल था, और गुस्से में जो बात निकल गई उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं, उनके मन में किसी के लिए कोई ऐसा भाव नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, चलती रहती हैं, ये पॉलिटिक्स है, कभी नोकझोंक थोड़ा बहुत नोकझोंक चलती रहती, लेकिन सब जो मीटिंग का वीडियो वायरल हो जाना वो एक बड़ी बात थी, और उसके बाद ही ये पूरा मामला पकड़ गया था। जी बिल्कुल महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। तो भोपाल से खबर और ये बयान भी आपको सुना रहे, जहां विधायक राकेश गिरी ने माफी मांगी है, सिंधिया समर्थक पर पहले आरोप लगाए थे जिसे अब वापस ले लिया गया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की, और उसके बाद अब माफी मांगी है, और कहा कि आवेश में आकर इस तरह का बयान दे दिया था।